फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रचनास क्रिएशन, कर्ची से कलम तक। तो आज कृषि इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसको कवर करेंगे। इससे रिलेटेड मैं दो वीडियो अपलोड कर रही हूँ, कृषि का एक ट्रेडिशनल वीडियो और एक करंट अफेयर्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स का कोई भी टॉपिक जो होता है उसमें 100% में से 20% क्वेश्चन सिर्फ ट्रेडिशनल पूछे जाते हैं, बाकी का 80% जो होता है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है। तो हम दो वीडियो के थ्रू इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, एक ट्रेडिशनल और एक करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो कृषि का मैं ये वाला वीडियो जो है वो ट्रेडिशनल टॉपिक से रिलेटेड, और अगली वीडियो जो होगी करंट अफेयर्स होगी, तो आपका पूरा कृषि टॉपिक खत्म हो जाएगा। और इसमें कवर जो हम लोग करेंगे, ये पिछले 25 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक, उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे टॉपिक को कवर करेंगे ट्रेडिशनली, और फिर उसी टॉपिक का करंट अफेयर्स क्या इंपॉर्टेंट वो अगली वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो अगर आप किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हो, चाहे बैंकिंग हो, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हो, सारे इसके लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि एग्रीकल्चर टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो यूजफुल लगेगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कृषि से रिलेटेड लगते हैं, तो उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा, अगर मुझसे कोई क्वेश्चन छूट जाते हैं तो आप। और अगर नए यूजर हैं तो राइट हैंड साइड रेड बटन होगा सब्सक्राइब का, अगर वो रेड है तो आप उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आगे सारी वीडियोस आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट होती रहेगी। अगर ऑलरेडी आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसको क्लिक मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कृषि टॉपिक। तो सबसे पहले कृषि के कौन से 8 टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले कृषि का सिंपल इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या आता है कि तत्काल सिचुएशन, प्रेजेंट कंडीशन क्या है एग्रीकल्चर की, तो ये प्रेजेंट डाटा आपको याद करना होता है, जैसे कि राष्ट्रीय आय में कितना परसेंट भाग है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कितना परसेंट, जैसे कि राष्ट्रीय आय में पिछला अभी जो डाटा था उसमें 1/6 भाग जो है, यानी कि 15-18% भाग कृषि का योगदान होता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 18% का योगदान होता है एग्रीकल्चर का, जिसमें से आयात में 6% का योगदान और निर्यात में 12% का योगदान होता है। ये कुछ डाटा है जो बिल्कुल करंट रिलेटेड होता है, वो पूछा जाता है। तो प्रस्तावना यानी कि कृषि का इंट्रोडक्शन में आपको प्रेजेंट कुछ डाटा पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा उत्पादन किस उसका हो रहा है, कौन से उसका, कि खाद्यान्न का, चावल का, गेहूँ का, या किसी भी चीज़ का। दूसरा तो इसके बाद और डाटा है कृषि क्षेत्र में कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई, जैसे कि जो लास्ट डाटा है उसमें है कि 6.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये बेसिक जो है आपको डाटा अपना करंट, और सबसे ज्यादा उत्पादन होता है चावल का, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, 4-5 फैक्ट्स हैं जो करंट जो सर्वेक्षण आता है उससे आपको कवर करना, मैंने लेटेस्ट डाटा आपको बता दिया। अब दूसरा टॉपिक क्या है इंट्रोडक्शन के बाद, दूसरा है भारतीय कृषि की विशेषता क्या है, इससे क्वेश्चंस आते हैं प्री में। प्री के आप किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम को देते हैं तो उसमें विशेषता से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि भारत की कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई है और आज भी कृषि जो है वो अवैज्ञानिक तरह से खेती करते हैं, पहली विशेषता। दूसरा, भारत में उत्पादकता कम है, उत्पादन क्षेत्र के मुकाबले उत्पादकता कम है। तीसरा, भारत के कृषि में प्रचंड बेरोजगारी है। चौथा, कृषि में बहुत अनिश्चितता है कि फसल अच्छी होगी या नहीं होगी, क्योंकि मौसम के अनुसार है। पांचवा, छोटी जोतें बहुत ज़्यादा हैं, सकल जोत में जो है ना 67.1% सीमांत जोत से भी कम है। अब इसमें आगे का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टोटल 85% जोत जो है ना वो 2 हेक्टेयर से भी कम है। ये हो गई कृषि की 6 विशेषता। स्पेशली यूपीएससी के एग्जाम में इस टाइप के फैक्ट्स देते हैं और आपको उसमें से कौन सा गलत है वो सेलेक्ट करना होता है। तो ये हो गई कॉमन विशेषता, जो लॉजिक से भी आंसर जिसका निकाला जा सकता है, इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपको रखना है। तीसरा है जोत के बारे में क्वेश्चन होता है, जोत के विवरण, जैसे कि 4 तरह के जोत होते हैं। एक होता है सीमांत जोत, तो सीमांत जोत क्या होते हैं, सीमांत जोत होता है 0 से, ये इससे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, 0 से 1 हेक्टेयर होता है। ये भारत में कितना परसेंट है, 67.1% है सीमांत जोत, जो उसका मान होता है 0 से 1 हेक्टेयर। इसके बाद होता है लघु जोत जो होता है 1 से 2 हेक्टेयर होता है, और इसका भारत में परसेंटेज है 17.9%। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, छोटे बड़े हर तरह के एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। मध्यम जोत क्या होता है, 2 से 10 हेक्टेयर होता है, ठीक है, इसका ये परसेंटेज है 14.2%। और सबसे
अंत में हुआ वृहद जोत, जो कि होता है 10 हेक्टेयर से भी ऊपर जो होता है वो होता है वृहद जोत, जिसका सबसे कम परसेंट है 0.8%। तो आपने चार तरह के जोत देख ली, सीमांत जोत 0 से 1 हेक्टेयर 67% सबसे ज्यादा, सेकेंड है लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर 17 से 17.9%, मध्यम जोत 0 से 10 हेक्टेयर 14.2%, और वृहद जोत 10 से भी जो ऊपर होता है जो कि सबसे कम है। तो ये आपका हो गया तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगला क्या है, हरित क्रांति से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इवन हरित क्रांति क्या, कृषि क्षेत्र में जितनी भी क्रांति उससे रिलेटेड मैजिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं हरित क्रांति से। तो हरित क्रांति के बारे में बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं। मैक्सिको का एक वैज्ञानिक है नॉर्मन बोरलॉग, इन्होंने बीजों का अनुसंधान करके अधिक उत्पादकता वाले बीज यानी HYV बीज की खोज की थी। मैक्सिको के नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, इन बीजों के सुविधा और संरक्षण मिलने से काफी अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ। तो बोरलॉग को माना जाता है हरित क्रांति का जनक। लेकिन अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन ने इसी पद्धति को फॉलो करके भारत की कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी थी, इसलिए भारत में हो गए। अगर भारत में हरित क्रांति का जनक पूछता है तो MS स्वामीनाथन, और वैसे हरित क्रांति का जनक पूछा जाता है तो बोरलॉग है, ठीक है। अब हरित क्रांति की विशेषता HY बीज किस चीज पे प्रयोग किया गया था, बीजों पे प्रयोग किया गया था। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। कब शुरुआत हुई, 1960-61 के बीच में, ठीक है, और इसको लागू किया गया 1966 यानी 66 में। अब द्वितीय हरित क्रांति में फसल के दायरे और कृषि में वृद्धि के साथ साथ कृषि की पद्धति को भी बनाया गया मेन मुद्दा, तो कार्बनिक कृषि को अपनाने पे। तो द्वितीय हरित क्रांति किस चीज से है, कार्बनिक कृषि, और प्रथम कृषि क्रांति जो थी, प्रथम हरित क्रांति HY बीज से रिलेटेड। तो ये हरित क्रांति से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस है जो बार बार पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए। तो द्वितीय हरित क्रांति का आपको याद होना चाहिए, लेटेस्ट है कि कार्बनिक कृषि से रिलेटेड है। अब चौथा क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चौथा टॉपिक है आपका, सॉरी चार हो गया, पांचवा टॉपिक है आपका कृषि वित्त। कृषि वित्त से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कृषि वित्त की आवश्यकता अलग अलग समस्या के लिए होती है। तो कृषि वित्त के प्रकार होते हैं, जैसे कि कृषि अल्प अवधि ऋण, कितने दिन के होते हैं, 15 माह के लिए, ठीक। उसके बाद मध्य अवधि ऋण होता है, 15 माह से 5 वर्ष के लिए, और सबसे लंबी अवधि यानी दीर्घ अवधि का होता है 5 वर्ष से अधिक के लिए। तो तीन तरह के कृषि ऋण होते हैं। अब कृषि वित्त के स्रोत क्या होते हैं, तो एक होता है संस्थागत स्रोत, जिसमें कि सर्वोच्च संस्था कृषि और ग्रामीण विकास यानी कि नाबार्ड, NABARD। तो नाबार्ड से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर्स होगा तो उसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि नाबार्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी स्थापना हुई थी 1982 में, और ये प्रत्यक्ष तौर पर ऋण नहीं देती है बल्कि कृषि ऋण देने वाली संस्थाओं को देती है, ये डायरेक्ट किसानों को नहीं देती है नाबार्ड। और गैर संस्थागत स्रोत में क्या होते हैं, महाजन, साहूकार, मित्र, जमींदार, व्यापारी, ये सब होते हैं गैर संस्थागत ऋण में। इसके बाद शीर्ष स्थान होता है सहकारी बैंक का और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का। तो अब कृषि वित्त में देख लेते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 6 नंबर पे आएगा आपका, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई, 1975 में, जिसमें से 50% पूंजी केंद्र सरकार की होती है, 35% पूंजी किसी वाणिज्यिक बैंक की होती है, और 15% पूंजी राज्य सरकार की होती है, 50%, 35% और 15%। और ये ग्रामीण वित्त के लिए स्पेशली ये संस्था बनाई गई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसके बाद है अगला सहकारी बैंक। सहकारी बैंक तीन स्तर के होते हैं, एक होता है राज्य स्तर, दूसरा होता है केंद्रीय स्तर, और तीसरा होता है प्राथमिक यानी साख संगठन। तो ये दीर्घकालीन ऋण के लिए बनाया जाता है भूमि विकास बैंक की तरह। तो बेसिकली कृषि से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कृषि के प्रस्तावना, कृषि की भारत में विशेषता क्या है, जोत के प्रकार, हरित क्रांति या जितनी भी क्रांति हुई है, इसके अलावा कृषि वित्त, कृषि वित्त में आपके लिए इम्पोर्टेंट है कृषि वित्त के स्रोत, जैसे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड और सहकारी बैंक, ये तीन, इतना ही आपको कृषि में पढ़ना है। इसको ही आपको अच्छे से तैयार करना है, ताकि इससे कोई भी ट्रेडिशनल टॉपिक जब भी कृषि से आता है तो इसके से ही क्वेश्चन आता है। इससे बाहर अगर क्वेश्चन आएगा तो वो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन होगा, तो करंट के लिए अगली वीडियो है। तो कृषि का सिंपल मैंने बेसिक फैक्ट्स आपको बता दिया। एक और वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, जिसमें पिछले 25 साल के क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगी। तो वीडियो आपने, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इसके अलावा कौन सा टॉपिक आपको लगता है कि कृषि में इंपॉर्टेंट है जो मैंने छोड़ दिया, ताकि उसको भी मैं कवर करा सकूं। और लाइक अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रचनास क्रिएशन।